जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने सिरसा में कार्यकर्ताओं से मिलकर 25 सितंबर को महंत के ताऊ देवीलाल जयंती समारोह मनाने की तैयारियों का जायजा लिया। इस समारोह में बीएसपी प्रमुख मायावती भी शामिल होंगी। 25 तारीख की रैली चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस समारोह की, जो महंत में हम दोनों पार्टियां मनाने जा रहे हैं, उसको लेकर के हम हर गाँव में 6700 गाँव हरियाणा के हैं, प्रत्येक गाँव में जाकर के न्योता देकर के आएंगे, प्रत्येक शहर में प्रत्येक वार्ड में जाकर के न्योता देकर के आएंगे और उम्मीद करते हैं कि वो रैली माइलस्टोन यानी मील का पत्थर साबित होगी हरियाणा की इस बदलाव की क्रांति में। निश्चित तौर पर बहन जी आकर दुष्यंत को जो उस दिन आशीर्वाद जब देकर जाएंगे और हरियाणा की जनता अपना स्नेह प्यार और आशीर्वाद दुष्यंत को वहाँ से देंगे, तो महम से जो कारवा है बदलाव का हरियाणा में शुरू हो जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव जेजेपी और बीएसपी मिलकर लड़ेंगी, इसके लिए जेजेपी और बीएसपी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। दिग्विजय चौटाला ने कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद कहा कि प्रदेश में बीजेपी की दोबारा सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस आपसी कलह से परेशान है। कांग्रेस का तो कोई हाव भाव ही नहीं है चुनाव का, कांग्रेस में तो तवर हुड्डा के पीछे, हुड्डा तवर के पीछे। 6 महीने हो गए लोकसभा के चुनाव को, आप एक वाक्य मुझे बता दीजिए जब किसी कांग्रेस ने बीजेपी का विरोध किया हो। कांग्रेसियों ने कांग्रेस का विरोध किया। अगर बीजेपी का कोई विरोध कर रहा है, जन विरोधी नीतियों को उजागर कोई कर रहा है, तो बसपा जजपा गठबंधन के लोग दुष्यंत चौटाला की अगुवाई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां तैयारी में जुट चुकी हैं। लेकिन ये तो चुनाव बाद ही पता चलेगा कि जेजेपी और बीएसपी गठबंधन कितनी सीट जीत पाता है। R9 TV के लिए सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट।